अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है भाई की बर्थडे सीन चल रही है। जो हमारा कल का दिन था वो शेख साहब के साथ हमने सारा दिन गुजारा है। सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है, उसके बाद कपड़े शपड़े पहने हैं और हम बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए गए हैं, शूट वगैरह हुआ है हमारा। तो उसके बाद हम थोड़ी सी सेलिब्रेट वगैरह की है। तो आज सेकेंड डे चल रहा है, तो हमारा एक दोस्त कॉलेज दोस्त है, तो उसने हमें थोड़ा बहुत इनवाइट किया था, लेकिन हमें उसने कोई आइडिया नहीं दिया। उसने हमें ना अपने दूसरे दोस्त को बुलाया कि इन दोनों को ना अपने घर बुलाओ और हम उनको सरप्राइज देंगे, लेकिन हमें उसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा कुछ पता है। उसने हमें हिंट दे दिया कि क्या चीज़ होने वाली है। तो वो हमें ये बता रहा था कि आप आओ, पेपर की तैयारी करनी है। तो उसके बाद उन्हें हमें ना डायरेक्ट सरप्राइज़ देना, लेकिन हमें कुछ पता है इसलिए हमने ड्रेसिंग उस हिसाब से किया। तो देखते हैं, उधर चलते हैं, उसको कॉल करते हैं क्या सीन है, कितनी देर में ये होने वाला है। ये हो गई है, इससे बाद ये थोड़ा बहुत शुगर लगाते हैं हम जाके। वो बेचारे का जो सरप्राइज़ है ना, हमें सारा कुछ पहले पता सरप्राइज़ का, लेकिन उस बेचारे का सरप्राइज़ है, देखते हैं उसने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ। सो चलते हैं हम अपने उस दोस्त की तरफ, तो जाके देखते हैं उन्होंने क्या सीन किया हुआ है। तो चलते हैं, रास्ते में इंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत। आज हम जाएंगे बाइक पे, इंजॉय करते हुए जाएंगे। आपको दिखाते हैं कि फैसलाबाद का माहौल कैसा है, उधर डस्टिंग किस हिसाब से है। तो चलो मिलते हैं रास्ते में। मार गए, लुट गए। इस वाम को क्या कहना चाहते हो आप? जो 30 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे चला रही है। ये गड्डियां वे 30 रुपए लीटर पेट्रोल बाद हो रहा है। ये तो 1000 रुपए का लीटर भी पेट्रोल है, हमने पवाना है। ये जी फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा है ना, बहुत तेज हो रहा है। तो मॉल वो है इंशाल्लाह ना, इधर नेक्स्ट व्लॉग जो कमिंग सून है ना, वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा हमारा इधर ही, उसका विजिट करेंगे, इसके देखेंगे ऊपर फ्लोर ये वो सारे विजिट करेंगे। हम उधर तक पहुँचेंगे जहाँ पे वो डस्टिंग एरिया था, और उधर सब अच्छे आ रहे हैं इसके। हम उसकी तरफ पहुंच गए हैं, देखते हैं कि मुझे लग रहा है कि दोनों जिन्हें वो पहुंच गया साथ। लादा घर ही कोई नहीं है साथ। हैं? प्रैंक तो नहीं हो गया अपने? लग रहा है सानू। फोन मार, मुझे लग रहा है कि दोनों जिन्हें पहुंच गए साथ। भाई आधा घंटा हो गया तेरे घर के बाहर खड़े हैं। चला जल्दी नीचे आ, नीचे खड़े मुझे लगता घर ही कोई नहीं है, प्रैंक कर गए साडा। हैं? ये भाई ने हमें देनी है बर्थडे की पार्टी। ये भाई ने हमें देनी है बर्थडे की पार्टी। मैंने देनी है। क्या मैं क्या बोला तूने? मैंने देनी है। चलो हम बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं की कभी भी। पेपर आ गए हैं हमारे, जा रही है मेरा सुनना आगे। पेपर मैंने को रेडी कर लिया है। भजन आप किधर से आ गए हैं? सर क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है, फिट फाट है, मजेदार नजर आए। ये भाईजान व्लॉग के लिए अपना मुंह शुद्ध हो गया है। मुंह धोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इनको पता है कि बनेगा व्लॉग श्लोग, तो ये उसके लिए ना जरा फेस वॉश। उसके लिए ना यार, हमारा पहला भी लोग है यार, आपको पता है कि इनको भी पता है कि उसके लिए ना यार, ये हमारे ना सब चेहरा ले रहे हैं। ये देखो क्या
एज हो गई है भाई आपकी? मेरी भाई 20 साल। जो आपकी गुजर गई है और जितनी हो गई है और जितनी आने वाली है उन सबको ऐड करके ना टोटल पे। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको मुबारकबाद। खैर मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की थर्ड फ्लोर से आपको बेसमेंट और थर्ड फ्लोर से आपको सालगिरह मुबारक। हम इंजीनियर है, हमारी जुबान में बर्थडे विश ऐसी होती है। हाँ। केक कैसा था ब्रो? मजेदार केक। मजेदार केक बहुत बड़ा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? केक और एक केक केक टू इन वन। अच्छा केक था जी, हमने केक शेक हमने मार लिया। केक क्या था? मजेदार नजर आया जी। हमने अपने बर्थडे का सीन जो थोड़ा बहुत हमने किया था वो बहुत एंजॉय किया हमने। उस्मान भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत एंजॉय करवाया, हमारी बर्थडे को याद रखा। ये दो है, एक अकेला दानी नहीं है, इसके अंदर कोई और है। तो जी हम इन भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत शोगर लगाया और हमने इंजॉय किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को वो कर दो जो करते होते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।